और लेकिन बाद में जैसे जैसे वो आयरन फाउंड्रीज बंद होती गई तो फिर इसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ से आप देखेंगे पूरी कैनाल अंडरग्राउंड होती है और आगे एक रिवर है उसका नाम है दाबका रिवर। ये कैनाल यहाँ से अंडरग्राउंड होती है और ऐसे ऊपर की तरफ से आती है और यहाँ से अंडरग्राउंड, और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैनाल कहाँ जाकर निकलती है। अभी मैं कैनाल के ऊपर से चल रहा हूँ और ये कैनाल कम से कम 300 मीटर जाके पूरी नदी के ऊपर से, नदी के नीचे से इसको निकाला गया है। यहाँ पे आप देखेंगे नदी में ऐसे कुएं से बने हुए हैं, ये दाबका रिवर है और पूरी कैनाल इस कुएं के नीचे से इसी के साथ साथ नीचे को निकल कर दूसरे दाब नदी के दूसरे छोर पे जा रही है। और ये कुएं इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि नदी में जो है थोड़ा लाइट कैनाल में कभी को रिपेयर मेंटेनेंस होना होता है तो इसी से उसकी लाइट कैनाल के अंदर तक पहुंचती है। आप देख रहे होंगे 1, 2 है, 3 है और ऐसे ही अंदर जाके और भी हैं काफ़ी सारे, दिखाता हूँ आपको। तो ये कैनाल, अभी मैं कैनाल के ऊपर से हूँ, ये पूरा नदी का किनारा है, नदी पैच है और इस पे देखिए आगे भी कुएं से दिख रहे हैं और ये कुएं निकलते हुए आगे जंगल दिख रहा है, जंगल के अंदर भी कई आगे जाकर ये कैनाल ओपन होती है। और ये आप समझिए जब 1860 में कैनाल को बिल्ड किया गया तो उस टाइम में कितनी लंबी दूरदर्शिता रखी गई अंग्रेज़ों के द्वारा कि आने वाले समय में कैनाल, ये जो नदी है ये इतना चौड़ा रूप ले लेगी, तो जिसकी वजह से आज ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। इसी को दूरदृष्टि कहा जाता है। और देखेंगे बिल्कुल अगर कैनाल को कम अंडरग्राउंड किया होता तो आज वो कैनाल मेरे ख्याल से रिपेयर भी नहीं हो पाती आज की गवर्नमेंट से। तो ये कैनाल पूरी जो है नदी के अंदर से होते हुए आगे निकल रही है। देखिए नदी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और अब जंगल का पैच शुरू हो गया, इसके अंदर भी ये बना हुआ है और कुआं बना हुआ है। और अब मैं जंगल के अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आता जाता हूँ क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि कुछ बाहर के लोग हैं जो, या फिर टूरिस्ट हैं, कई बार आना जाना करते हैं तो एक बार गश्त के तौर पर भी यहाँ पर आना होता है। और आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कूरी है, लैंटाना है, जो आज एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कैंसर का रूप बना हुआ है। ये जब पैदा होती हैं आप देख रहे हैं, इसके नीचे आपको कोई और बुशेस नहीं दिखेंगी, कोई और घास नहीं दिखेगी, ये जिस जगह फैलती है उस जगह को पूरा कवर्ड कर लेती है, तो इसके आसपास कहीं और कोई चीज़ पैदा नहीं हो पाती। देख रहे हैं एलिफेंट डंक भी है, तो इधर जो वो एनिमल का मूवमेंट भी है क्योंकि पानी का रिसोर्स है। अभी डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट भी चला रहा है जिसको लैंटाना रिमूविंग के नाम से कहा जाता है, तो डिपार्टमेंट लैंटाना को निकाल भी रहा था कि ये सब कैंसर जैसी घास को निकाला जाए जिसका कोई इस्तेमाल जानवर भी नहीं करते और नहीं किसी अन्य काम में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इसको निकाला जाएगा ताकि जो हर्बीवोर हैं, जो शाकाहारी प्राणी हैं, वो उनके लिए ग्रासेस पैदा हो पाएँ। अभी मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ, अभी मैं मुझे कैनाल कहीं ओपन नहीं दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कुएं में आपको दिखा रहा था उस कुएं में आप देखेंगे नीचे तो कैनाल है, पानी बह रहा है, तो इससे यही साबित होता है कि ब्रिटिश टाइम में जो काम होते थे वो कितने लंबी सोच के हिसाब से होते थे। और ये कैनाल आज भी इतनी मजबूत है कि कितने ही वर्षों के बाद भी ये आज भी अपने पाँव पे बिल्कुल यथास्थिति लिए हुए खड़ी है। आप देख रहे होंगे फिर आगे से और कुआं है, मतलब इतना लंबा मैं चल के आ गया हूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि कैनाल कितनी लंबी होगी। ये देखिए पूरा कितनी बढ़िया ढंग से कैनाल को, यहाँ बहुत ज़्यादा एलिफेंट मूवमेंट भी है और देखिए अभी मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि कैनाल ओपन कहाँ पे हो रही है। बड़ा सरप्राइजिंग है, ज़मीन के अंदर से कैनाल होके निकल रही है और ऊपर से पूरा जंगल खड़ा है, तो कितनी बढ़िया टेक्निक है कि जिसको थोड़ा आवाज़ आ रही है पानी की, हो सकता है कि यहाँ पे कैनाल कहीं ओपन हो रही होगी। यस करेक्ट, देखेंगे यहाँ पे आवाज़ निकल रही है। देखिए देखिए यहाँ पे वो कैनाल जो है ओपन होती है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है।
यहाँ पे ये कैनाल ओपन हो गई और ये बड़ा खुशी की बात है कि आप देख सकते हैं ये जो आज कैनाल है ये दूसरे गांव को जाती है सिंचाई के लिए, और सिंचाई के साथ साथ इस कैनाल से जितने भी वन्य जीव हैं, वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस जगह पे जानवरों के पानी का पूरा प्रबंध है। कैनाल को फिर से रिपेयर किया गया, कहीं कहीं टूट फूट हुई है और ये कई बार एलिफेंट मूवमेंट इस तरफ ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी कई बार कैनाल टूट जाती है। और ये देखिए पूरा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये उनकी दूरदर्शिता का एक परिणाम है कि ये जो नदी जो कैनाल का पानी है, ये मैं बताऊँ आपको, ये एक सीतावनी टेम्पल अगर आपने सुना हो वहाँ पे एक पानी स्प्रिंग होता है और वो स्प्रिंग होते होते पानी वहाँ से एक खिचड़ी नदी का रूप लेता है। ये देखिए कितनी सुंदर कैनाल है, और खिचड़ी नदी का रूप लेने के बाद वो वहाँ से 9 किलोमीटर दूर, ये देखिए एलिफेंट फुटप्रिंट्स, पूरा नेचर वॉक। तो वहाँ पे जो खिचड़ी नदी का रूप लेता है तो वो 9 किलोमीटर के बाद आके क्यारी गांव को टच करती है, और टच करने के बाद जो है वहाँ से वो नदी को चैनलाइज किया गया कैनाल में, और जो कैनाल यहाँ से दूसरे गांवों के लिए कम से कम 5 किलोमीटर के जंगल के रास्ते दूसरे गांवों को सिंचित करती है, खेती के काम आती है, पीने के काम आता है। और कितना बढ़िया प्लानिंग था जो आज भी कितना साथ साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। देखेंगे यहाँ पे ना आपको बहुत सारा कड़ी पत्ता मिल रहा है, और ये कड़ी पत्ता जो है यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में मसालों के तौर पे कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साउथ इंडियन हर खाने में इसका तड़का लगता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्लांट है, इसको वासाको सिरप आपने सुना होगा, तो वासिंग जैसे इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो जो वासाको सिरप बनता है खांसी के काम आता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे हैं जिनके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बर्ड साउंड आ रही है, बहुत बढ़िया मूवमेंट है बर्ड्स के लिए भी। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का टाइम है, जो आ चुकी हैं बहुत सारी, और एक नया जंगल को सुगंधित और बढ़िया बना देती है। जंगल में कूड़ा पड़ा हुआ है, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, और क्योंकि जो भी ये यहाँ पे वन्य जीवों के हिसाब से ठीक नहीं है, और हमें कूड़ा जंगल में फैलाना भी नहीं चाहिए। ये ज़्यादातर हम लोगों की गलतियाँ होती हैं कि हम जंगल को गंदा करते हैं, और ये कभी भी समझदार लोगों के द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए। कितना तेज़ फ्लो है पानी में देखिए, और क्या आवाज़ निकल के आ रही है। एक और चीज़ है, इसका नाम है पीलू ग्रास, ये पीलू है, और ये पीलू ग्रास जो है आपने देखा होगा कि जो जलजीरा बेचते हैं और मटके के बाहर से कुछ पत्तियों को बांध कर रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो पत्तियाँ हैं इसको इसकी जो नेचर होता है इसका वो बहुत ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से इसको ठंडक के लिए मटके के बाहर से लगाया जाता है। और ये इनके जंगलों में जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पे समर के टाइम में टाइगर के रहने की भी संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइगर को ठंडक चाहिए होती है और वो ठंडक के लिए इन पौधों के आसपास रहना पसंद करता है। देखिए नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और उसमें से एक और चीज़ है, इसका नाम है रोहिणी। तो रोहिणी का जो प्लांट है ये हाथी का बहुत पसंदीदा खाना होता है, रोहिणी और बांस को हाथी बहुत पसंद करते हैं, बट हमारे इन जंगलों में बांस कम है तो रोहिणी के ऊपर बहुत ज़्यादा फीड करता है एलिफेंट। और रोहिणी को हम सिंदूरी ट्री भी कहते हैं, और क्योंकि पूरे पुराने समय में महिलाएं जब सिंदूर के तौर पर इस पर लाल रंग का जो बीज आता है तो उसके बाहर की एक लेयर होती है जिसको हम जिसके पाउडर को हम सिंदूर की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर से देखिए नज़ारा, तो हमारा सिर्फ एक काम है कि नेचर ने हमें जो दिया है हमने उसको संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है, उसको गंदा नहीं करना है। और अगर हम इस तरह से गंदा
करते चले जाएंगे, जिस तरह से आज तक पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और अंत में जो अनपढ़ आदमी है वो समझदारों का काम करता है, जो कूड़ा उठाता है जंगलों में। मैंने कई बार देखा है लोगों को, जो कबाड़ी लोग आते हैं फिर वो कूड़ा उठाते हैं, लेकिन ये समझदारी का दिखाने का वक्त है। नहीं तो मेरे ख्याल से कोरोना जैसी कई सारी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है तो उन्हें हर बार साफ़ जगह ही चाहिए होती है। पुरानी जगह जहाँ वो गंदी करके जाते हैं वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते, और ये बिल्कुल इल्लीगल है जंगल में आना और कूड़ा कचरा फैलाना, बैठना और शराब पीना। तो प्लीज़ इन बातों से, इस चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और कूड़ा कचरा ना फैलाएं जंगलों के अंदर। अभी मैंने आपको एक बर्ड की आवाज़ सुनाई थी, उसका नाम है इंडियन हॉक कुकू, जो हमारे यहाँ माइग्रेट करके आती है। अगेन द अनदर थिंग हेयर, देख रहे हैं स्क्रैच मार्किंग है, तो उसके बारे में बात करूँगा बाद में, अभी चलते हैं आगे। सो मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग हेयर। इसमें एक एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी है जो हमारे यहाँ माइग्रेट करके आती है, और जो मैं आपसे कह रहा था कि ये हमारे जंगल को, जंगल की शोभा बढ़ाते हैं, सुगंधित करते हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं माइग्रेट करते हुए और हमारे इस एरिया को बहुत सजावट कर देते हैं। बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है नेचुरल फॉरेस्ट जो उसको नेचर ने ग्रो किया है, और आप अदर साइड पे देखेंगे यहाँ पे है सागौन, जिसको मैन मेड फॉरेस्ट बोला जाता है, जिसको प्लांट किया गया है। तो ये फ़र्क है दोनों नेचर और ह्यूमन में। मैनमेड कितना बढ़िया प्राकृतिक आवास है जानवरों के लिए, और मैनमेड देखेंगे यहाँ पे छुपने तक की जगह नहीं है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। मैनमेड फॉरेस्ट आपने देखा ना, इसमें रहने को है जानवरों के, ना इसमें खाने को है। कितना हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो ऐसे होते हैं। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये है कैनाल का, यहाँ तक कैनाल पहुँची है, और यहाँ पे एक छोटा सा ताश लगा हुआ है जो कैनाल को साफ़ करने के काम आएगा, और यहाँ से पानी बाहर निकाला जा सकता है। इसमें जो रेता आ जाती है बह के, उसको साफ़ करने का तरीका है। ये वो जगह है जहाँ पे हम साइकिल पे बैठ के पहले इस पटरी पर क्रॉस किया करते थे। ये भी देखिए पूरा नाला है, इस तरफ देखेंगे यहाँ पे कैनाल आके दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तरफ ये जाती है और एक तरफ ये जाती है। ये है, एक जाती है बेलपलाव और एक जाती है गैबुआ, और ये कैनाल इधर से आ रही है ऊपर से थ्रू फॉरेस्ट। ये है बनदेवी के पास, और ये आसपास का है नज़ारा। यहाँ आते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, तो और ये आस्था कहीं ना कहीं जाके जंगलों को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो दोस्तों, इस यात्रा में इतना ही, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।